हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस के चैप्टर 6, जो ये बायोलॉजी सेक्शन है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। बायोलॉजी सेक्शन का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे प्लीज़ आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर एक जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो भी देखना है साइंस SST से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी वीडियो है। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये अभ्यास के बॉक्स के क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये बॉक्स के क्वेश्चन है और हम आपको इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखें जो कि आपको सारी बात समझ में आ गया। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे उनको भी जाके आप देख लें। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अब एक कोशिकीय जीव क्या होता है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, या तो नहीं पढ़े तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थ को निकास के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। सिंपल से भाषा में आप इतने जान लीजिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, देखिए एक कोशिकीय जीव क्या होता है, उसका जो पूरा पूरा जो बॉडी हो सकते हैं, पूरा जो वो क्या कहता है, पर्यावरण के सतह में रहते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है पूरी वो पर्यावरण के सतह के संपर्क में रहता है। जबकि हमारा बहुकोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव में जैसे अम्बीवा वगैरह आता है, ये सब क्या होता है, पूरे वातावरण मतलब पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जैसे बहुकोशिकीय जीव में जैसे मनुष्य आते हैं, जानवर होते हैं, पादप होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि पर्यावरण के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। और क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में ऐसा होता है कि वो गैसों का आदान प्रदान क्या कर सकते हैं, वो मतलब कि या तो बॉडी की जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना है तो सारा वो क्या करता है, अपने किसी भी अंग से कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या, बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य के लिए, उसके लिए क्या, हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या होता है कि वो अलग अलग काम करते हैं अलग अलग अंगों से। तो जैसे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए पूर्ति, ये ऑक्सीजन की विसरण क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ये था इसका आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको लिख लीजिएगा तो आप, और एक बार पढ़िएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखिए कोई भी वस्तु अगर सजीव है, एक दिक्कत पता है आपको, एक निर्जीव होती है एक सजीव होती है। तो जो भी निर्जीव वस्तु क्या होता है, जो कि चल फिर नहीं सकता, या तो वो ग्रो नहीं कर सकता है, तो या तो वो श्वास नहीं ले सकता, ये सब हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे। मतलब कि पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ये सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखना है। देखिए कोई भी वस्तु सजीव है या इसका निर्धारण के लिए हम कई मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी वस्तु सजीव है तो हम बहुत से मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उनमें वृद्धि, प्रजनन, श्वसन की क्रिया निरंतर होती है। आपको पता है कि अगर कोई भी सजीव वस्तु है तो उसमें क्या होता है, समय के साथ साथ वो क्या होता है, अपने शरीर में वृद्धि होती है, प्रजनन होती है, श्वसन की क्रिया निरंतर होती रहती है। और भी बोलते हैं सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियां लगातार होती है, और सजीव के अंदर जो आणविक गति हो तो वो क्या हमेशा लगातार होती रहती है, चाहे वो बाह्य रूप से स्थिर तथा शांत ही क्यों ना हो। चाहे आप शांत ही क्यों ना, एक मनुष्य का देख सकते हैं, आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं फिर भी क्या होता, आपके अंदर की जो है ना, आपके अंदर वो कार्य होते रहता है, उसके अणु में काम होते रहता है। जैसे कि हम लोग श्वास लेने से जैसे दिल का धड़कना, या तो और भी जो भी ऑर्गन्स हमारा काम अंदर करते रहता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेट होना बॉडी में,
तो इस सबसे पता चलता है कि कोई भी ये इससे पता चल जाता है अगर ये सारी क्रियाएं हो रही तो समझ जाइएगा ये क्या वस्तु सजीव है, अगर नहीं हो रही तो वो क्या है निर्जीव है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पे आता है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी सजीव है तो किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जीवों को अपने जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर कोई अगर कोई भी जीव है अगर उसको जिंदा रहना तो उसके लिए क्या उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और अतः ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव विभिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर ऊर्जा चाहिए तो आपको कच्ची सामग्री का उपयोग करना होगा जो कि वो एनर्जी का आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, तो जो कि इस प्रकार है कच्ची सामग्री, जैसे कि बोल सकते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना, ये है पृथ्वी से जल एवं सूर्य प्रकाश, ये सब सारे क्या होता है एक मतलब कि कोई भी जीव है ये, जैसे कि आप पादप की बात करें तो उसको क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, यह मनुष्य है ऑक्सीजन चाहिए, पृथ्वी से जल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, पादप में ये सब चाहिए। तो क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी जीव है उनको कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है वो सारे, किन कच्ची सामग्री को उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। क्लियर। तो ये था। अब देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर है, लगभग इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि पूरा बुक को हम कवर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अब देखिए जीवन के अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कोई भी जिस जो कि हमारे बॉडी के लिए एक अनुरक्षण का कार्य करती है, जो कि हम लोग को जरूरत नीड होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी जीव में जीवन के लिए अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। अगर जी मतलब कोई भी अनुरक्षण करना तो उसे क्या हमको कोई भी काम करना है, जो भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार की अगर कमी होती है या तो टूट फूट होती है सारी हमारी, वो कौन करती, ऊर्जा करती है, और इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो और ये सब ऊर्जा कहाँ से हम लोग को मिलता है, भोजन के माध्यम से। मान लीजिए कि आपको कहीं घाव हुआ तो वो घाव को कवर कौन करेगा, तो हमारी ऊर्जा, अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं हम लोग को ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा जो हम लोग को मिलता है कहाँ से मिलता है, भोजन के माध्यम से मिलता है, और भोजन से ऊर्जा तक निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक है। अगर भोजन से ऊर्जा आपको लेना है ना तो ये सब कार्य होगा तभी हो पाएगा, जैसे कि पोषण करना, दूसरा श्वसन होना, वहन होना, उत्सर्जन होना, ये सब सारे कार्य होते हैं, और इन सभी प्रक्रम को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर। बात समझ में आ रहा है सारी बात, एकदम अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, हम बहुत ही सरल भाषा में लिख दिए हैं आपको, बात हर एक बात को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से आपको अच्छी तरह से फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर। अब सिंपल से भाषा में आप समझिए, स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो कि खुद अपना पोषण करता है, विषम पोषी मतलब क्या किसी दूसरे पर आश्रित होता है ना, तो वो होता है विषम पोषी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सपोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। मतलब कि स्वपोषी उन उन जीवों को बोल सकते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। भोजन के लिए कच्चे पदार्थ जैसे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश आदि का उपयोग कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो स्वपोषी होता है ना वो क्या करते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में जैसे वो भोजन भोजन को तैयार करता, स्वयं बनाता है, जैसे कि उसको जो जो चाहिए भोजन बनाने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और ये सब, और जैसे कि आपको पता है पत्तियों से क्लोरोफिल ये जो उपस्थित होता है इसकी सहायता से वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे कि ये सब कार्य कौन करते हैं, जैसे कि हरे पौधे में कुछ जीवाणु भी होते हैं। क्लियर। अब देखिए विषम पोषी की बात करें, विषम पोषी पोषण उन जीवों का पोषण है जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण मानव हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, और भी ज्यादा चीज हो सकता है जो कि दूसरे पर आश्रित होता है। आप जैसे कि मनुष्य हुआ तो हम लोग क्या होता है किसी और पे आश्रित होते हैं ना, जब तक हम लोग को भोजन, मान लीजिए जैसे कि जैसे पौधा नहीं होगा वहाँ से जैसे कि हम लोग को फल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई चीज़ बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग दूसरे पर आश्रित है।
क्लियर। तो हम लोग विषम पोषी में आ गए, हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है, तो वो जो पौधा जो होता है कहाँ से लेता है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे बोले प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त करते हैं। जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य से सूर्य के प्रकाश लेता है, भूमि से जल एवं खनिज लेते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ये सब सारी चीज़ हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, जाइलम कैसे क्या होता है, फ्लोएम कैसे होता है, कैसे वो जल और खनिज को ऊपर तक पहुंचाते हैं। और इसका और देख लेते हैं, और इन सभी सामग्रियों तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आवास आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको हमसे कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर हम आपकी अच्छी तरह से मदद कर पा रहे हैं, अगर हम आप हमसे अगर हम आपको सेटिस्फाई करने, कम से कम वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हमें फीडबैक दें कि कैसा लगा। तो आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा लाइक भी कर दें वीडियो को, जैसे देखते हैं वीडियो शुरू करते समय पहले लाइक कर दें, क्लियर। और हम आपको बहुत अच्छे से देते जाएंगे, जितना मेरे पास जितना नॉलेज है सारा मैं आपके आपको शेयर करूँगा, बट मेरा थोड़ा सा आप इतना सा कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसलिए आगे देखते हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। जैसे कि अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल मेरा बॉडी में क्या करता है, क्या काम है उसका। वैसे तो बहुत सारे मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम दो चीज़ बताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते, पहला नंबर, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रवित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, क्लियर। तो हमारे जो अमाशय की भित्ति जो है ना, अमाशय वहाँ से कि एक जठर ग्रंथि निकलता है, जिसको मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करता है, श्रवण करती है। और वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम, वो जो जहाँ वहाँ पे जो भोजन पहुँचता है ना, उसको क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी ये सहायक होता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी सहायक होता है। अब ये जानिए कि पेप्सिन एंजाइम क्या है। तो पिछले वीडियो में बता दें कि भोजन को सिंपल सा एक तरह का बोल सकते हैं कि भोजन को ये कि छोटे छोटे पाचन क्रिया में बहुत मदद करते हैं अम्ल, क्लियर। अब दूसरा काम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। जो भी हमारे बॉडी को क्षति पहुंचाने वाला रहता है ना, उसको क्या करता है, अम्ल उसको खत्म कर देता है। आपको पता है कि एक एसिड जो होता है, अम्ल क्या एक तरह का एसिड को बोलते हैं। तो एसिड पता है कितना वो मतलब कि मतलब हानिकारक होता है, जो कि अगर हमारे स्किन पे पड़ जाता है वो जला देता है। लेकिन ये भी चीज़ आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना नॉर्मल नॉर्मल होता है स्किन, और वो क्यों नहीं जलता है। तो इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं, उस मतलब कि पिछले मतलब कि ये सब क्लास 8 या 7 में आप पढ़ेंगे, क्लियर। हम अगर चाहे अगर चाहते हैं कि वो हमको पूरा एक्सप्लेन डिटेल्स बताइए सर ये कैसे नहीं होता है, तो हम आपको वीडियो बना उसके लिए बना देंगे, लेकिन अभी इसमें चल रहे हैं। अब देखिए, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, अगर हम लोग बोल सकते हैं तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है। जैसे कि जेब उत्प्रेरक द्वारा भोजन को पचे एवं अवशोषित करने के लिए इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने की क्रिया एंजाइम का होता है। देखिए, इसमें एक पाचक एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, तो ये क्या होता है, जो एक मतलब कि हमारा जो भोजन होता है ना, बड़ी बड़ी गोलिकाएं में होती है, तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे उसको टुकड़े करने का काम करता है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। क्योंकि हमारा जो नलिकाएं होती है ना, उसमें क्या करता है, अगर बड़ा होगा तो वो पार नहीं होगा। और ये कर्मा, क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर कोई भी पदार्थ जाता है कर्मा कुंचन के द्वारा होता है, मतलब कि ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगा, तो वो मतलब कि वो तो ये छोटे छोटे गोलिकाएं होगी तो आसान होगी, ठीक है। एंजाइम का यही काम है। इमिलेस, लाइपेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि पाचन एंजाइम जटिल पदार्थों को जटिल पदार्थों
कणों को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने में मदद करते हैं, और ये सरल कण आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और पता है छोटे छोटे कण होंगे तो वो क्या आ गए, रक्त के द्वारा उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर लिए जाएंगे और शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जा सकता है। क्लियर, जो भी एनर्जी होगा उसको शरीर के सारी कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। आज में आपका इतने तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर इसके और भी पार्ट डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बताए ना आपको पूरा, यहाँ पे वीडियो मतलब लगभग 30 30+ क्वेश्चन है, इसे जितना भी मतलब कि एनसीईआरटी के जितने भी थे अभ्यास से क्वेश्चन सारे को हम ले लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अगर आपको हमसे मदद मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।